आरोप लगाने वाले लगाते रहो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो बापू को अभी मानते हैं, हमारे दिल में है बापू। हमारे बापू भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, और हम इनको राम कृष्ण शिव ही मानते रहेंगे। कि हमारा बच्चा 12 करोड़ की चोरी में फंसा गया, 12 करोड़ की चोरी। हमने बापू से मन्नत किया प्रभु, ये क्या हो रहा है? तो हमको यही संकेत हुआ, बोला अरे पगले क्या चिंता करता है, हमारे बच्चे का जमानत यही भरोसे हो गया। तो हम बापू को भगवान नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? और आज भी हमारा बच्चा निर्दोष बरी हो, जब तक हमारा ये सूरज चांद रहेगा बापू का हमारा नाम रहेगा, हमारे बापू निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। मैं मथुरा से दिनेश चंद शर्मा 1995 से बापू से जुड़ा हूँ। पूरा परिवार ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं आसर सरासर गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, झूठे हैं। कौन फंसाएगा, कौन षड्यंत्र करेगा? ये षड्यंत्रकारियों ने फंसाया बापू। हमारे बापू भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, और हम इनको राम कृष्ण शिव ही मानते रहेंगे। हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारा ही क्या परिवार है, ये पूरा संसार जुड़ा हुआ है। क्या कारण है बापू 6 सालों से जोधपुर जेल में बंद है, इतने आरोप लगे उसके बावजूद भी आप लोग बापू के साथ खड़े हो, तो उसके पीछे का क्या कारण है? हमारे बापू तो भगवान है। आरोप लगाने वाले लगाते रहो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो बापू को अभी मानते हैं, हमारे दिल में है बापू। क्या जीवन में परिवर्तन हुआ बापू से? जीवन में ये परिवर्तन हुआ कि हमारा बच्चा 12 करोड़ की चोरी में फंसा गया था, 12 करोड़ की चोरी में, उसमें 12 आदमी थे। हमने बापू से मन्नत किया प्रभु ये क्या हो रहा है? तो हमको यही संकेत हुआ, बोला अरे पगले क्या चिंता करता है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 आदमियों का हाई कोर्ट सेशन कोर्ट, वहां से जमानत नहीं हुआ, हमारे बच्चे का जमानत यही भरोसे हो गया। तो हम बापू को भगवान नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? वो आज भी हमारा बच्चा निर्दोष बरी हो। लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है ये तो अंधश्रद्धा है बापू की, अंधभक्त है, उसके बारे में क्या कहो? हमारी तो श्रद्धा पूरी है बापू के प्रति, लोग क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, इससे हमको कोई लेना देना। इतने सालों से आते हो, कभी कोई गलत देखा क्या? गलत भगवान के यहाँ कुछ गलत हो सकता है क्या? ये तो सब गलत है, गलत बोलते हैं। यहाँ तो एक भक्ति भाव की गंगा बहती है। क्या मांग करोगे सरकार से? मांग यही करेंगे कि जब तक हमारा ये सूरज चांद रहेगा बापू का हमारा नाम रहेगा, हमारे बापू निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे बीच में बापू आए, यही हम सरकार से मांग करेंगे। आपने देखा ये भाई मथुरा के रहने वाले, इनका यही कहना है सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते, बोले कोई गलत गतिविधियां आश्रम के अंदर नहीं होती। और एक आश्चर्य की बात है कि बापू 6 सालों से जोधपुर जेल में बंद है, लेकिन आज भी भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर।